है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 2C सर्वसमिका भाग 2, ठीक है ना। भाग 1 तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। इस भाग 2 में हम लोग 8 तक सवाल लगा चुके थे भाग 1 में, अब भाग 2 में हम लोग 9वां सवाल से पढ़ते हैं। 9वां सवाल में दिया हुआ हमारा ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री का होल मतलब स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ए पर मतलब ए पर स्क्वायर प्लस बी पर स्क्वायर बी पर स्क्वायर और प्लस सी पर स्क्वायर मतलब सी बटे में थ्री का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू ए बी मतलब यहाँ पर जाएगा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बी बाई टू और प्लस टू बी सी तो टू हो जाएगा और बी की वैल्यू कितना दिया हमारा इतना टू बी और सी की वैल्यू कितना दे दिया सी और थ्री सी सी बाई थ्री सी बाई थ्री और बी बाई टू ठीक है ना प्लस टू सी ए टू सी और ए सी की वैल्यू कितना दिया हमारा थ्री बटे में थ्री सी बाई थ्री और इंटू यहाँ पर जाएगा एथ ए। अब इसको कर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा ए पर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई फोर ठीक है प्लस सी का स्क्वायर बाई यहाँ पर जाएगा नौ प्लस ये टू से टू क्रॉस हो जाएगा मतलब ए बी ठीक है ना प्लस ये टू से टू क्रॉस हो जाएगा मतलब बी सी बाई थ्री और प्लस यहाँ पर जाएगा कितना हमारा अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सी ए बाई थ्री और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसको सिंपल ढंग से करना था, इसका जो फार्मूला था वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फार्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, उसी सूत्र पर लगाया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। जो लड़के ना नए होंगे मतलब अभी तुरंत आके दूसरा पार्ट ही देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले आप जाकर पहले पार्ट को देखिए तब समझ में आएगा कि कैसे मैं बताया हूँ, सारा सूत्र को बताया हूँ किस सूत्र से कैसे बनेगा, ठीक है। तो नंबर एक से देखा जाता है कोई भी चीज़, स्टार्टिंग से कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब वही लोग बोलते हैं कमेंट में कि सर समझ में नहीं आया, तो समझने के लिए आप लोगों को पहले स्टार्टिंग से देखना होता है, स्टार्ट से देखिए फिर समझिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 10वां सवाल दिया हुआ है ए माइनस यहाँ पर जाएगा बी बाई थ्री प्लस यहाँ पर जाएगा टू सी बाई फाइव का होल स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर यहाँ पर जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जाएगा थ्री बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जाएगा सी बाई फाइव का होल स्क्वायर प्लस अब माइनस में प्लस मतलब टू ए बी होता है तो टू हो गया और ए बी मतलब ए की वैल्यू कितना हमारा माइनस प्लस में है बी माइनस में है माइनस में प्लस को गुणा करेंगे माइनस या माइनस लग गया और कितना हो जाएगा हमारा ए बी ए कितना हमारा ए और बी कितना हमारा माइनस बी बाई सी टू ए बी और यहाँ पर देखिए टू सी ए सी टू बी सी टू बी सी दूसरा क्या होता है टू बी सी तो यहाँ पर जाएगा टू पहले तो टू लिखे लगा देंगे बी सी बी कितना दिया माइनस ये प्लस है यहाँ पर प्लस है माइनस प्लस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस बी सी b की वैल्यू कितना जाएगा b बाई थ्री और c की वैल्यू कितना दिया हमारा 2c बाई फाइव फाइव कर लेंगे फिर 2 लगा दीजिएगा फिर देखिए माइनस में प्लस का गुणा करेंगे यहाँ पर प्लस है ये भी प्लस है प्लस प्लस का गुणा करेंगे कितना जाएगा हमारा प्लस सी ए सी में a का गुणा करेंगे मतलब 2c a c की वैल्यू कितना जाएगा 2c बटे में जाएगा 5 और a की वैल्यू कितना जाएगा a। अब इसको सॉल्व करेंगे a का स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर बटे में 3 3 के 9 प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर मतलब यहाँ पर जाएगा c की वैल्यू कितना 2c मतलब कि यहाँ पर जाएगा 4c का स्क्वायर बटे में 5 बचे 25। अब देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस चीज़ का 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2b 2 यहाँ पे कैसे हो जाएगा 2ab ये प्लस में रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग माइनस ले चुके हैं ठीक ना। अगर यहाँ माइनस प्लस लिए होते तब यहाँ माइनस दिखाते यहाँ पर जाएगा 3 ये 3 ध्यान रखिएगा सी लिख दिया था मैं ठीक है ना तो यहाँ पर जाएगा माइनस यहाँ पर जाएगा 2ab बाई 3 2ab बाई 3 अब यहाँ देखिए माइनस है ये भी यहाँ पे माइनस है इसमें 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे जाएगा बी सी यहाँ पे जाएगा बी सी बटे में हो जाएगा 3 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 और प्लस इसमें 2 में 2 को गुणा करेंगे 2 दूनी के 4 यहाँ पे सी और ए ऊपर में ए हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 5 तो 5। तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब चलते हम इसके अगले सवाल 11वें सवाल पर। 11वां सवाल दिया हुआ है ए माइनस टू बी ठीक है ना ए माइनस टू बी और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस सी माइनस अरे माइनस सिक्स का होल स्क्वायर मतलब ए का यहाँ पर स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बी का जो मान दिया हुआ उसको देख दीजिएगा प्लस सी का स्क्वायर मतलब सिक्स का स्क्वायर
और यहाँ पे देखिए अब माइनस प्लस का देखिएगा, पहले लिख दीजिएगा टू, ठीक ना, और टू ए बी होता है, सूत्र क्या होता है हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए होता है, लेकिन प्लस माइनस अभी मत रखिएगा, पहले हमारा टू ए बी होता है ना, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करिए चिन्हों का, ये माइनस ए प्लस है, माइनस प्लस गुणा करेंगे माइनस ए बी, ए का मतलब ए और बी का मतलब बी बटे में टू, बी का मतलब टू, या बी का मतलब बी बटे में टू, यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे टू, फिर बी और सी, बी सी माइनस और माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, बी सी बी की वैल्यू कितना दिया बी बटे में टू, और सी की वैल्यू कितना दिया हमारा, सी की वैल्यू दिया हमारा सिक्स, तो सिक्स कर लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए अब माइनस फिर टू लगा लेंगे, अब देखिए यहाँ पे सी ए, सी की वैल्यू माइनस में प्लस, ए की वैल्यू प्लस में, हमेशा सामने वाला चिन्ह देखते हैं, सिक्स के सामने क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह, ए के सामने क्या है कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, मतलब क्या हो जाएगा हमारा टू सी ए, तो सी की वैल्यू कितना हमारा हमारा सिक्स, और ए की वैल्यू कितना हमारा ए, और यहाँ पे माइनस में प्लस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर बट्टे में 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस c का करेंगे 3 का करेंगे, c का मतलब 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, माइनस अभी 2 से 2 कट जाएगा मतलब a और b, अब यहाँ पे 2 से ये 2 कट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 6b, मतलब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6b, 6b, और यहाँ पे माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे 6 दूनी के 12, तो यहाँ पर जाएगा 12a, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप आंसर को मिला सकते हैं, देखिए आप आंसर अपने किताब में मिलाइए, क्या दिया हुआ आंसर में, आंसर में दिया है ए का स्क्वायर प्लस बी का, बी का स्क्वायर बटे में 4 और प्लस 36 और माइनस ए बी और प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा कितना 6b, लास्ट में दिया हुआ प्लस 6b और स्टार्टिंग में फिर बीच में दिया हुआ माइनस 12a। तो आप चिन्ह जब भी इधर आंसर उल्टा सीधा देता है तो आप इसको मिला लीजिए या करिए, ठीक ना, इससे मतलब नहीं है, 12 के सामने माइनस में दिया है तो माइनस में आंसर होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ प्लस होता तब गलती होता है, यहाँ माइनस हो जाता तब गलती होता है, इससे सामने वाले चिन्ह को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, दूसरे सवाल पर, दूसरा सवाल दिया हुआ है सरल कीजिए। अब देखिए इसमें दिया हुआ इतना प्लस दिया हुआ, फिर इतना दिया, फिर प्लस दिया हुआ, इतना दिया, हम लोग अभी टू जब यहाँ पे जब हम लोग फोर अभ्यास फोर है, ये फोर सी है, याद रखिएगा फोर सी, याद रखिएगा ये फोर सी हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, फोर सी का भाग दो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे टू लिखा हुआ था टू सी का भाग दो पढ़ रहे थे, लेकिन नहीं यहाँ पे फोर सी का भाग दो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए पहला हमारा दिया हुआ दूसरा, इसको हम लोग को बदलना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हो जाएगा हमारा टू, मतलब ये इसको करेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, फिर प्लस लगा के सबको ऐसे करते हैं, देखिए ए का स्क्वायर थोड़ा बड़ा होगा, देखिए देखिएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस टू ए बी मतलब टू ए बी मतलब ए बी मतलब एक्स वाई, एक्स वाई प्लस टू सी ए मतलब टू बी सी मतलब यहाँ पे वाई और जेड, टू सी ए मतलब टू यहाँ पे जाएगा सी और ए, सी का मतलब जेड और ए का मतलब एक्स, ठीक है, और प्लस बीच में है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर सॉल्व करिए ए का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, लिख रहा हूँ मैं इसको देख के, ठीक है ना, सूत्र हमको याद है इस तरीके से। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा प्लस या माइनस, यहाँ पे जाएगा टू ए बी होता है तो माइनस दिया प्लस दिया, तो माइनस में प्लस को गुणा होगा माइनस टू एक्स वाई, टू एक्स वाई, अब माइनस में प्लस को गुणा होगा तो माइनस टू वाई जेड, फिर प्लस में प्लस को गुणा होगा तो प्लस मतलब टू जेड एक्स, जेड और एक्स, जेड एक्स इस तरीके से कर लीजिएगा जेड एक्स। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस कर लीजिएगा, प्लस यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब यहाँ पे जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे जाएगा y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जाएगा प्लस यहाँ पे जाएगा हमारा z का स्क्वायर। अब यहाँ पे जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2ab प्लस यहाँ पे जाएगा हमारा 2ab मतलब एक्स वाई, टू एक्स वाई, माइनस का इसमें है नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस 2bc मतलब y और z, और यहाँ पे माइनस प्लस गुणा करेंगे माइनस 2ca, c का मतलब z और a का मतलब x। अब इसको सॉल्व करेंगे, खोजेंगे सारे को सीक्वेंस वाइज, उसके बाद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x, और भी कहीं x दिया हुआ है क्या, यहाँ पे x दिया हुआ है मतलब 1, 2, 3, तो यहाँ पे देखेंगे 3x का स्क्वायर, यहाँ पे y, एक y, दो y और एक और y, यहाँ पे 3y मतलब यहाँ पे जाएगा प्लस 3y का स्क्वायर, प्लस z को भी वही गिनेंगे 3 आएगा, एक यहाँ पे, दो और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ प्लस 3z का स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे जाएगा 2xy, और कहीं है 2xy, यहाँ पे भी 2xy है और यहाँ पे 2xy, ये 2xy ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, इसके सामने क्या है माइनस का, इसके सामने प्लस का, दोनों कट जाएगा, मतलब प्लस वाला सिर्फ एक बचेगा मतलब 2x और y, यही बचा आपका। फिर देखिए yz, yz यहाँ प्लस में है माइनस में, इसमें
तो इन दोनों को काट देंगे, एक जगह और होगा वाई जेड, तो वाई और जेड, वाई जेड यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस टू वाई जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू जेड एक्स, टू जेड एक्स, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट कर लीजिएगा, एक और बचेगा हमारा एक्स जेड, तो प्लस में बच रहा है टू जेड एक्स, तो प्लस कर लीजिएगा टू और जेड और एक्स, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना सावधानी से आप करेंगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। आप आंसर एक बार फिर से मिला लीजिए, आंसर मिलाएंगे तो आपका एकदम सही आंसर आएगा, ठीक है, आप मिला लीजिएगा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है इतना का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इतना का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। ए का मतलब यहाँ पर जाएगा थ्री एक्स का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जाएगा टू वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस, अब प्लस में माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पर जाएगा। आप ये समझिए ना, ये माइनस ये प्लस है, मतलब माइनस होगा टू ए बी, ए का वैल्यू कितना दिया तीन, मतलब तीन कर लेंगे यहाँ पर जाएगा थ्री एक्स और इन टू टू वाई। उसी प्रकार से इसको करते हैं, आप डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं ना, क्योंकि जगह ज़्यादा ले लेगा इसलिए गुणा कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस। अब टू ए बी और टू बी सी, तो टू हो जाएगा, अब बी के में गुणा करेंगे तो टू का, तो ऐसे कर लीजिए टू और टू वाई और इन टू यहाँ पर हो जाएगा बी सी, मतलब बी सी का मतलब जेड, माइनस यहाँ माइनस में प्लस को गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस टू सी ए, टू सी और ए, ए की वैल्यू कितना दे थ्री एक्स, तो थ्री एक्स कर लेंगे। अब बीच में माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिएगा और कोष्टक लगा दीजिएगा, माइनस लगाने के बाद क्या लगा लीजिएगा कोष्टक, ठीक है ना, इस तरीके से कोष्टक एक लगा लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स का और यहाँ पर जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा प्लस टू वाई का होल स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे कर लेंगे हमारा क्या प्लस, प्लस में माइनस को गुणा, प्लस में प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस ही रहेगा, मतलब टू और यहाँ पे हो जाएगा थ्री एक्स और यहाँ पे इंटू टू वाई, थ्री एक्स इंटू टू वाई मतलब टू ए बी और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा माइनस टू बी सी, टू बी सी माइनस क्यों लगाएं क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा टू बी सी, टू हो जाएगा बी मतलब बी का मतलब टू वाई और सी का मतलब जेड, तो जेड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा माइनस और प्लस को गुणा करेंगे माइनस टू सी ए मतलब टू हो जाएगा इंटू सी की वैल्यू कितना दिया हमारा जेड और ए का मतलब कितना दिया थ्री एक्स, तो थ्री एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, ऊपर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूँ एक बराबर का इक्वल का, यहाँ पे इक्वल देख लीजिएगा इक्वल है, फिर यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, ऊपर वाले कर रहे हैं तो तीन तरीके नौ एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा चार वाई का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा जेड का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस दो त्याई छः, छः दूनी के बारह, तो यहाँ पर जाएगा बारह एक्स और वाई और यहाँ पे दो त्याई दो दूनी के चार, तो यहाँ पर जाएगा माइनस चार ये वाई और जेड और यहाँ पे दो दूनी दो त्याई छः, तो यहाँ पर जाएगा प्लस छः और जेड एक्स मतलब जेड एक्स। अब उसी प्रकार से इसको करते हैं एक कोष्टक में, माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट में करेंगे, माइनस लगा के इसको ब्रैकेट में करेंगे तो यहाँ पर जाएगा नौ, यहाँ पर जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा चार वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा जेड का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे इसको गुणा करेंगे दो त्याई छः, छः दूनी के बारह, तो यहाँ पर जाएगा बारह एक्स और वाई, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम, नीचे वाला इसको सवाल को नीचे लिख रहे हैं, यहाँ पर दो दूनी के कितना हो जाएगा चार, तो यहाँ पर जाएगा चार, यहाँ पर हो जाएगा वाई और जेड, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस और दो त्याई कितना हो जाएगा छः और यहाँ पर जाएगा जेड और एक्स, तो जेड एक्स कोष्टक बंद, ये वाला कोष्टक है अंदर वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर जाएगा नौ एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जाएगा फोर वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस यहाँ पर जाएगा ट्वेल्व एक्स और वाई, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस फोर वाई और जेड और यहाँ पर प्लस सिक्स जेड एक्स, ठीक है ना। अब ये माइनस है ना, जब कोष्टक के बाहर माइनस कभी भी होता है तो जब अंदर जाता है तो सारे चिन्ह को चेंज कर देता है, चेंज करने का मतलब प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, मतलब हड़कंप मचा देगा एकदम से, मतलब इसमें प्लस का माइनस कर देगा, माइनस का प्लस कर देगा, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देगा नौ एक्स का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जाएगा माइनस फोर वाई का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ पे जाएगा जेड का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ पे जाएगा ट्वेल्व एक्स का स्क्वायर या ट्वेल्व एक्स वाई और यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर लेगा, ठीक है ना, इसके अंदर का ये है तो यहाँ पे जाएगा चार वाई जेड और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर लेगा हमारा एक्स सिक्स जेड और एक्स और ये हो गया मतलब कोष्टक हट गया, क्योंकि कोष्टक हटाएंगे तो माइनस जाएगा अंदर में और सारे चिन्ह को परिवर्तित कर देगा, ठीक है ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर देगा। अब देखिए आगे में
अब देखिए ये 9x² है, यहाँ पे भी 9x² है, लेकिन ये वाला पार्ट प्लस में, ये वाला पार्ट माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे -4y² है, यहाँ +4y² है, दोनों ही प्लस माइनस में है, दोनों कट जाएंगे। जेड के साथ वही होगा क्योंकि ये प्लस में है माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे 12 मतलब 12xy है, -12xy है, माइनस माइनस से एक साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 12 12 24 माइनस माइनस 24x और वाई, ठीक है। अब देखिए अगला वाला देखेंगे तो यहाँ पे जाएगा -yz और +yz, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस में 6zx है, यहाँ पे प्लस में 6zx है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, मतलब 12 हो जाएगा हमारा, और z और x, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 12 है, इसमें भी 12 इसमें 12, इसमें x है इसमें भी x है, तो आप ले सकते हैं माइनस का 12x कॉमन लेंगे जब आप, तो कोष्टक में बचेगा हमारा क्या थी 2y - z। तो इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आंसर ऐसा नहीं दिया, 12x दिया हुआ है और कोष्टक में दिया हुआ आपका आंसर में जेड और माइनस का 2y दिया हुआ है। जस्ट वाइज देख लीजिए अब कैसे करते हैं, यहाँ माइनस जब हम लोग कॉमन लेंगे, इस माइनस को गुणा कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चाहिए, माइनस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जब भी अंदर जाता है चिन्ह परिवर्तित कर देता है, तो हम लोग माइनस को कॉमन ले चुके हैं, तो ये भी आंसर सही होगा, ऐसा बात नहीं है। आप अगर इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं 12x, तो आपका आंसर निकल के आएगा क्या चाहिए हमारा, माइनस का 2y और प्लस का यहाँ पर जेड। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ये आंसर लिखिएगा, इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख देंगे दोनों चलेगा, ठीक है ना। आपके आंसर में भी दिया है बराबर बराबर करके, ये भी ये भी ये भी, मतलब कुछ भी आंसर लिखिए वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। यही तो होता है अलजेब्रा का, ठीक है ना, बीजगणित में यही फायदा होता है कि आपके आंसर ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट इधर है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस चिन्ह आपके सही होने चाहिए, तो ये फायदा होता है आपको अलजेब्रा में। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया y² + y² - z² - यहाँ पर जाएगा x² - y² + z²² आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे आप लोग। यहाँ पे इसको होल स्क्वायर क्या है, मतलब x² का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी मतलब y² का होल स्क्वायर प्लस सी मतलब यहाँ पर जाएगा हमारा z² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पर जाएगा प्लस मतलब ए और बी, मतलब ए बी मतलब 2ab लिखते हैं, तो यहाँ प्लस प्लस है मतलब 2, यहाँ पर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा x² और y² मतलब xy, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर प्लस में माइनस गुणा करेंगे -2bc मतलब y² और z² और यहाँ पर जाएगा माइनस और प्लस गुणा करेंगे -2ca मतलब 2c का वैल्यू कितना दिया z² और x² x², अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए ब्रैकेट में। अब देखिए इस वाले को सेम उसी तरीके से करेंगे, मतलब x² का होल स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जाएगा प्लस y² का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा z² का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे क्योंकि प्लस में माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, इधर कर लेते हैं हम लोग माइनस, यहाँ पर 2ab मतलब 2 हो जाएगा x और y, x² और y² माइनस और प्लस गुणा करेंगे माइनस, यहाँ पर जाएगा 2yz मतलब y² और z² और यहाँ पर प्लस में प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस होगा मतलब 2 और यहाँ पर जाएगा c और मतलब कि ca मतलब c का मतलब कितना हो जाएगा z² और x² बात समझ में आ रहा। अब यहाँ पे एक कोष्टक बंद हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे, ये इक्वल लगा लीजिएगा ताकि समझ में आए कि कहाँ से कहाँ तक है, ये इक्वल के बाद समझिएगा स्टार्ट हुआ है, ये लाइन इतना तक यहाँ तक गया, फिर इक्वल स्टार्ट है मतलब दूसरी लाइन इसी का स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स पर यहाँ पर जाएगा 4 प्लस यहाँ पर जाएगा कितना हमारा वाई पर यहाँ पर जाएगा हमारा 4 और प्लस यहाँ पर जाएगा जेड पर कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पर जाएगा 2x² y² माइनस 2y² z² माइनस 2z² x² जो दिया हुआ है, फिर माइनस का जब चिन्ह लगाएंगे तो सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट में 2 का करेंगे तो यहाँ पर जाएगा x² 4 और प्लस यहाँ पर जाएगा y² 4 और प्लस यहाँ पर जाएगा z² 4, ठीक है ना, इसका कर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे माइनस, यहाँ पर जाएगा कितना हमारा, यहाँ पर जाएगा 2x² y² और यहाँ पर जाएगा माइनस ये वाले 2y² z² प्लस यहाँ पर जाएगा 2z² x² ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा कितना हमारा x² 4 प्लस यहाँ पर जाएगा y² 4 प्लस यहाँ पर जाएगा हमारा z² 4 माइनस यहाँ पर जाएगा 2x² y² माइनस 2y² z² माइनस 2z
का स्क्वायर हो या एक्स का स्क्वायर, और माइनस का जब चिन्ह लगाएंगे तो सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मैंने बार बार बताया जब माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो मतलब हड़कंप मचा देगा, देता है, जो भी प्लस में रहेगा उसको माइनस में, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में कर देगा। यहाँ पे देखिए माइनस को इसको जाएंगे और अंदर ले जाएंगे, तो माइनस को इसमें करेंगे तो माइनस यहाँ पर जाएगा एक्स पर फोर, माइनस ये भी हो जाएगा हमारा वाई पर फोर, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा जेड पर फोर, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा हमारा टू एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा हमारा टू वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा टू जेड का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स पर फोर है, यहाँ पे भी एक्स पर फोर है, लेकिन प्लस है माइनस है कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कट जाएगा, ये फोर होगा यहाँ पे फोर होगा, ध्यान से रखिएगा फोर होगा, ठीक है ना, क्योंकि वाई पर फोर होता है यहाँ पे, हम लिखने में गलती कर दी है, फोर ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे जेड पर फोर है, यहाँ पे भी जेड पर फोर है, प्लस माइनस है कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा प्लस टू यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस ये भी माइनस है, माइनस माइनस है दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस 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 का चिन्ह रहेगा, टू और टू कितना हो जाएगा फोर, यहाँ पे जेड का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गया क्योंकि दो पार्ट बचने चाहिए क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, इसको कट कर लीजिए, इसका आंसर हम लोग खोजते हैं, गड़बड़ी कहाँ हुआ। देखिए यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस कर दिए थे, ये गड़बड़ी हो गया था। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये कटेगा नहीं था, ये वाला पार्ट कटेगा नहीं, मतलब टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट नहीं कटेगा और ये वाला पार्ट नहीं कटेगा। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं, तो टू का टू को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा फोर एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा माइनस, यहाँ पर जाएगा फोर, यहाँ पर जाएगा जेड का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, और ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें से चार कॉमन ले सकते हैं, मतलब चार एक्स का स्क्वायर दोनों में है, चार एक्स स्क्वायर है, चार और एक्स स्क्वायर दोनों में है कॉमन ले सकते हैं, तो वाई का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा जेड का स्क्वायर। अब एक सूत्र और भी होता है, मतलब ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में होता है हमारा ए माइनस बी, आपको साथ में पढ़ाया गया था, तो आप चाहें तो इसको दो बार लिख सकते हैं, मतलब चार एक्स का स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा वाई प्लस जेड, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारा जेड और प्लस यहाँ पर जेड माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, मतलब चार एक्स स्क्वायर और कोष्टक में हो जाएगा वाई प्लस जेड और एक कोष्टक में हो जाएगा वाई माइनस जेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, और ये भी, मतलब तीनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे सही होगा, ठीक है।